हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, आपके साथ मैं हूं अंकित पामो। तो सिडनी में 7 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया और भारत का मुकाबला होने वाला है। ये सीरीज का तीसरा मुकाबला है। इससे पहले एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को हराया था, जबकि मेलबर्न में टीम इंडिया ने शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। अब 7 जनवरी क्या है, ये क्यों खास है टीम इंडिया के लिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल एन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो जैसा कि साफ है कि साल 2021 का पहला टेस्ट मैच इंडिया का 7 जनवरी को सिडनी के मैदान पे होने वाला है, और ये मैदान टीम इंडिया के लिए आंकड़ों के लिहाज से काफ़ी खास नहीं है। अभी तक टीम इंडिया ने सिर्फ 12 मुकाबले खेले हैं, जबकि एक मैच उन्होंने जीता है। ये मैच जीता था 1978 में बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में, तभी भी तारीख 7 जनवरी थी। और अब जो मुकाबला शुरू होने वाला है वो भी 7 जनवरी से ही शुरू होने वाला है। तो उस वक्त अगर हम देखें तो 1978 में 2 रन और एक पारी से टीम इंडिया ने हराया था, जबकि अब पिछला मैच टीम इंडिया ने साल का अंत जो था जीत के साथ किया था, और आगाज़ भी टीम इंडिया जीत के साथ ही करना चाहेगी। 7 जनवरी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 43 ईयर्स बाद एक मौका आया जब 7 जनवरी को ही सिडनी के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है। इससे पहले सिडनी के मैदान पर 12 मुकाबले हुए, लेकिन वो कोई भी मुकाबला 7 जनवरी से शुरू नहीं हुआ था। और 1978 में जैसा हमने बताया 7 जनवरी को जो मुकाबला शुरू हुआ उसमें टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। और अगर हम देखें तो मेलबर्न में टीम इंडिया की बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी थी। सिडनी में प्रैक्टिस टीम इंडिया कर रही है, रोहित शर्मा का साथ अभी मिलता है ना मिलता वो अभी रिपोर्ट आना बाकी है, क्योंकि आइसोलेशन में खिलाड़ी गए हैं, उन्होंने अलग प्रैक्टिस भी की है। तो 7 जनवरी हम इसलिए खास कह रहे हैं क्योंकि 43 साल बाद एक इतिहास फिर दोहराया जा रहा है कि 7 जनवरी को ही सिडनी में मैच होगा। 12 मैच खेले हैं जिसमें सिर्फ एक मैच टीम इंडिया ने जीता है, तो एक बार फिर से टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का मौका होगा। तभी हम बार बार कह रहे हैं कि 7 के फेर में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा ढेर। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दे सकते हैं। साथ ही साथ एक सवाल आपके हाथ फिर से छोड़ जाते हैं कि आप बता सकते हैं कि अजिंक्य रहाणे ने अभी तक कितने मैचेस में कप्तानी की है, और कब कब किस किस टीम के खिलाफ वो बतौर कप्तान टीम इंडिया के टेस्ट में उतरे हैं।